मालिक, ये दोनों भाई भाई हैं मालिक। पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा दोनों ने बराबर लिया है मालिक, लेकिन बूढ़े बाप को कोई नहीं रख रहा है। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ रहे हैं मालिक। ये दोनों अपने माँ को रखने को राजी हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। ये जो कह रहा है वो सच है? हाँ मालिक, माँ की उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनको अपने पास रखना चाहता हूँ। नहीं मालिक, बचपन से मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं माँ को अपने पास रखना चाहता हूँ। पिताजी को उसे संभालने के लिए बोलिए मालिक। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? एक लड़का और एक लड़की है मालिक। और तुम्हारे? दो लड़के हैं मालिक। ठीक है, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखेगा उसका बड़ा लड़का तुम्हारे पिताजी के पास रहेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में उनको भी तो सहारा चाहिए। ये कैसे हो सकता है मालिक? 10 साल से प्यार से परवरिश करके अपने प्यारे बेटे को उनके पास कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे मेरा बेटा क्यों उस बुड्ढे की सेवा करेगा भला? अगर ऐसी बातें तो सासू माँ को ससुर जी के पास रहने को बोलिए ना। क्यों? मेरा बेटा क्यों सेवा करेगा? उनके बेटे को बोलिए ना सेवा करने। ए, बहस करना बंद करो, माँ को अपने पास रखो और अपने बेटे को पिताजी के पास भेज दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, माँ को तुम अपने पास रखो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अभी ऐसा नहीं करूँगा। चुप हो जाओ। 10 साल के अपने बेटे को अपने पिता के पास भेजने में तुम्हें इतना दुख हो रहा है, और तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी परवरिश करके पाल कर एक अच्छा इंसान बनाकर शादी करके अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने वाले माँ बाप को इस उम्र में उन्हें जुदा करने की सोच रहे हो? इससे उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है जानते हो तुम लोग? ए, तुम्हें अपने कोख से जन्म देने वाली तुम्हारी माँ, खून पसीना एक करके तुम्हारी परवरिश करने वाले तुम्हारे पिताजी, इन दोनों की मेहनत की कमाई तुम हो। तुम दोनों सिर्फ माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो मैं जानता हूँ, ताकि वो तुम्हारी बीवियों के लिए खाना बनाए, बर्तन साफ करे, बच्चों की देखभाल करे। अब ये काम तो पिताजी कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये सारा काम तुम्हारी माँ नहीं कर पाती तब भी तुम दोनों यही कहते बच्चों की परवरिश करना हमारा धर्म है क्योंकि हमने उन्हें जन्म दिया है, पत्नी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है। तुम्हें अपने माँ बाप पर गर्व होना चाहिए ना कि शर्म। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी मूर्ति बनाने को नहीं कह रहे, बल्कि वो तुमसे सिर्फ 2 वक्त का खाना मांग रहे हैं। अपने लिए मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं कह रहे, किसी के द्वारा बनाई गई मंदिर के आगे उन्हें भीख मांगने की नौबत ना आए ये कह रहे। तुम्हें पालकी में बिठा कर घुमाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जीते जी चिता पर लेटने से मना कर रहे। बिना गुरु की विद्या जन्म देने वाले माता पिता को भूलने वालों को कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलता। मालिक, 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 माफ कर दो मालिक, हमें माफ कर दो मालिक, माफ कर दो मालिक। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, अपने माता पिता से मांगो। मधु, तुम्हें कब से माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी छोटी सोच ने उनका कितना दिल दुखाया है, फिर भी अपने बच्चों को माफ करने का बड़ा दिल सिर्फ माँ बाप के पास होता है। आखिरी सांस तक अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते रहो, यही इस गांव के धर्माधिकारी का न्याय है।